खातिर भाई ने ली भाई की जान। खून के रिश्तों से पढ़कर संपत्ति की चाय में हुआ खूनी संघर्ष। आज के सामाजिक परिवेश में अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से व्यक्ति अपने संबंधों को भूल बैठता है। ऐसा ही वाकया बांदा शहर के कोतवाली अंतर्गत पक्षा गांव में देखने को मिला, जहां संपत्ति के खातिर जमीनी रंजिश में एक ही यादव बिरादरी परिवार के लोगों में आपसी मारपीट में लाठी डंडे चले, जिस पर धनपत पुत्र द्वारिका और देवराज पुत्र द्वारिका जो सगे भाई हैं, इनके साथ में इनके सगे भतीजे देवांश हृदयांश मिलकर धनपत को इस कदर पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। घटना सुबह 7 बजे की है। आपसी विवाद पर एक ही परिवार के 4 लोग घायल है। वहीं मृतक धनपत को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। क्या नाम है? रामव्रत सिंह यादव। क्या मामला हुआ था? मामला एक बच्ची है तो उसके पिता नहीं तो उसके जायदाद के लेने के हड़पने या उसके चक्कर में वो कोई खत्म हो गया बता रहे हैं तो ना वो देख लीजिए। हमारे पास 3 लोग घायल अवस्था में हैं और एक मृत अवस्था में है, और ये बच्चा गाँव कोतवाली शहर के अंतर्गत वहाँ ये घटना घटी है। ये घटना बता रहे हैं कि मारपीट हुई है, इसमें घटी है, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसको हमने बाड़ी की मोचरी में रखवा दिया है और पोस्टमार्टम करवाई भी भेज दिया है, बाकी लोगों की डॉक्टरी हो रही है। ये सब घायल कितने? घायल 3 लोग हैं। ये एक्चुअल कोतवाली नगर का बक्छा गाँव है। इसमें आज सवेरे पुराने जो इनके भाइयों के बीच की रंजिश थी, 4 भाइयों के बीच की, उसको लेकर के परिवार में अक्सर ये लोग बंटवारे के लिए झगड़ा झंझट किया करते थे। इसमें पूर्व में ही निरोधात्मक कार्यवाही 151 की कार्यवाही सारी चीज़ें इसमें हो चुकी थी, और इसमें जो मृतक धनपत यादव है, धनपत उर्फ रज्जन, ये 70 वर्ष का था। इसको इसके सबसे बड़े लड़के जो देवराज हैं इसने मार दिया। आज सुबह इनका मारपीट हुआ, और इनका जो दूसरे नंबर का लड़का है रामराज, ये मर चुका है पहले, और झगड़े का कारण उसी के हिस्से की ज़मीन थी, जिसको ये चाह रहा था कि उसको उसके हिस्से की ज़मीन उसके लड़की उसकी पत्नी को ना मिलके बस सभी भाइयों में बराबर बांट दी जाए, और इसने मारा। तो इसमें एक राममूर्त है जो तीसरे नंबर का है, जो वकील का काम करता है, ये 42 साल का है, ये घायल है। इसमें जो देवराज के लड़के हैं वो भी लोग बता रहे हैं कि वो भी शामिल थे। अभी हम लोग इस घटना की जांच कर रहे हैं, और जैसा हमारी विवेचना आगे बढ़ेगी।